ठेकेदारी का लाइसेंस कैसे बनवाएं और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। सज्जनों, आज बहुत से नवयुवकों के कमेंट्स आए हैं कि सर, ठेकेदारी का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, उनमें किस तरह हमें क्या-क्या काम करने पड़ेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स में ठेकेदारी के लाइसेंस बनाए जाते हैं, तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आप ठेकेदारी का लाइसेंस बना सकते हैं। सज्जनों, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग बोलते हैं इसको। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा करके टेंडर दे सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा करके आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। सज्जनों, पीएचडी, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसको जलदाय विभाग भी बोलते हैं, पानी वाला विभाग भी बोलते हैं साधारण भाषा में। यहाँ भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके, यदि इन कामों में आप रुचि रखते हैं, तो यहाँ भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद में होता है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यहाँ भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद में RSEB, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यहाँ भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट की नगर पालिका में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट की नगर परिषद में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हर तहसील की नगर पालिका में भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नगर पालिका में CC रोड वगैरह के या निर्माण कार्यों के बहुत से काम निकलते रहते हैं, और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें सिविल के काम निकलते हैं, इलेक्ट्रिक्स के काम निकलते हैं, पाइपलाइंस के काम निकलते हैं, रोड के काम निकलते हैं, नहर के काम निकलते हैं, नाली निर्माण का काम निकलता है, और बिल्डिंग्स के काम निकलते रहते हैं। सज्जनों, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहां आप रजिस्ट्रेशन करवा करके अपना ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं। अब चाहिए क्या होता है ठेकेदारी के लाइसेंस करवाने के लिए? आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो मुख्य रूप से जो चीज़ें आपको, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अदरवाइज आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में कई जगह एक एक दो दो और डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं, वो भी आपको देने पड़ेंगे। सज्जनों, पहला आपको अपने 3 फोटो देनी पड़ती हैं, अपनी खुद की पासपोर्ट साइज 3 फोटो देनी पड़ेंगी, अथवा जो पार्टनर होंगे उनकी फोटोज आपको देनी पड़ेंगी। दूसरा, आधार कार्ड आपको लगाना पड़ेगा। तीसरा, पैन कार्ड आपको लगाना पड़ेगा। चौथा, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा आपको। पांचवा, आपको बैंक अकाउंट की, करंट अकाउंट की कॉपी, फोटो कॉपी देनी पड़ेगी। आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपको पेमेंट्स मिलेंगे वो बैंक के अकाउंट के थ्रू मिलेंगे, और उसकी आपको फोटो कॉपी देनी पड़ेगी। सज्जनों, इसके बाद में नंबर आता है वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट। वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट वो होता है जो आपने आज तक कोई काम किया है, निर्माण कार्य का काम किया है, कहीं भी किया है, कहीं सुपरविजन का काम किया है, कहीं लेबर का काम किया है, कहीं मिस्त्री का काम किया है, या कहीं किसी ठेकेदार के साथ में काम किया है, ऐसा यदि आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र है तो उस हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में यदि आपके पास बैचलर इंजीनियर की डिग्री है, या आपके पास में सिविल इंजीनियर की डिग्री है, या आपके पास में डिप्लोमा की डिग्री है, तो फिर आपको ये अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है और आपका सीधा रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इसके बाद में आपको चाहिए होता है GST नंबर, आपको लेना पड़ेगा, वो जरूरी है। और बाद में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करानी पड़ती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट करीब करीब वैसे छोटी क्लास में यानी डी क्लास में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 50,000 के लगभग होती है। वैसे इनके नियम बदलते रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है, वो आप डिपार्टमेंट में जाकर थोड़ा पूछ लेंगे। सज्जनों, इसके बाद में आपको करना क्या होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जाकर के ऑफलाइन यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि डी क्लास का रजिस्ट्रेशन ज़्यादातर ऑफलाइन होता है, बाकी इससे बड़ा रजिस्ट्रेशन आप यदि करवाना चाहते हैं, जैसे आप सिविल इंजीनियर हैं या BTech हैं या आप डिप्लोमा हैं, तो आपको अलग अलग कामों के अलग अलग करने पड़ते हैं। सज्जनों, इसमें सिविल काम भी होते हैं, जैसे बिल्डिंग का वर्क होता है, बिल्डिंग के वर्क के अलग वो कॉन्ट्रेक्टर होते हैं, RCC वर्क के अलग होते हैं। कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन वही है, मगर आपका क्वालिफिकेशन देखना पड़ता है कि आप कौन से क्वालिफिकेशन के लिए रजिस्टर्ड हैं।
तो आप यदि आरसीसी वर्क का अनुभव प्रमाण पत्र लगाएं तो फिर आरसीसी वर्क का मिलेगा आपको, और साथ में बिल्डिंग वर्क भी आरसीसी वर्क के साथ में मिल सकता है। मगर ध्यान रखें, बिल्डिंग वर्क का ही आपको अनुभव है तो आरसीसी वर्क का बड़ा काम आपको, जैसे जैसे मान लीजिए आरसीसी ओवरहेड टैंक है, या कोई पुल है, या फ्लाईओवर है, या कोई एयरपोर्ट है, इनके काम आपको नहीं मिलेंगे। वैसे छोटे ठेकेदारों को ये जो मैंने नाम लिए हैं अभी ऊपर, एयरपोर्ट है, पुल है, इनके काम नहीं मिलते हैं। बाकी जो जो आप बड़े होते जाएंगे आपको ये वर्क मिलने शुरू हो जाएंगे। सज्जनों, ये थी जानकारी आज की आपके लिए। यदि इसके बावजूद भी आपको कोई जानकारी में कमी रह जाती है तो मेरी चैनल एस एन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए एस एन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, और फिर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ध्यान से सुनिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। फिर मैंने सैकड़ों वीडियो ऐसे बना रखे हैं जो ठेकेदारी से संबंधित हैं। इनमें मैंने कई बार अलग अलग वीडियो बना करके बताया है कि ठेकेदारी का लाइसेंस कैसे बनवाएं, उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आप लोगों की विशेष रिक्वेस्ट पर आज मैंने ये वीडियो और लॉन्च किया है, तो आप ये वीडियो भी देख करके और जो पहले के वीडियो हैं उनको देख करके आपके ठेकेदारी में क्या क्या परेशानियाँ आएंगी, क्या क्या चाहिए होते हैं आपको, क्या क्या संसाधन चाहिए होते हैं, कितनी कैपेसिटी कैपिटल लगती है आपकी, ए क्लास के लिए आपको क्या क्या संसाधन चाहिए, बी क्लास के लिए क्या क्या संसाधन चाहिए, ये सारी जानकारियाँ मैंने पहले के वीडियोज में दे रखी है, वो आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। वीडियो पसंद आता है दोस्तों में शेयर कीजिए, और एक नहीं हजारों दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि सज्जनों किसी को रोजगार प्रदान करने वाला जानकारी देना दुनिया में सबसे अच्छी जानकारी है। धर्म के साथ में कर्म की जानकारी देना भी बहुत जरूरी होती है, इसलिए ये आपके काम कर्म की जानकारी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा कर्म फल कदाचने, आप काम करते जाइए आपको फल परमात्मा अपने आप दे देगा। तो मेरा काम है आपको जानकारी देना। मेरी सोच यह है कि मैं कम से कम आने वाले 1 साल में 1 लाख ठेकेदार नए रूप से तैयार कर दूं। उनको ये एक तरह की मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ही खोल रखा है, या मांगी है आपको फ्री में, मैं मेरे अनुभव शेयर कर रहा हूं, उसका आप फायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ठेकेदारों में इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए। कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं आपके सवालों का पूरा जवाब दे पा रहा हूँ, या कोई सवाल ऐसा छूट गया है जो आपको अभी भी ज़रूरत है। लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।